मरने वाली छुट्टी में कोई से शर्म नहीं है तुम्हारे को सर, कैप्टन सर, सर ये तस्वीरें आपको दिख रहे हैं छोटा शिमला की। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है और जिसमें पेंडिंग रिजल्ट को लेकर फिलहाल रात नहीं मिली। हालांकि एक जो कमेटी बनाने की बात कही गई है लेकिन उस कमेटी से ये खुश नहीं है और पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करने की हम कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका कहना है। और ये देखिए यहाँ पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा है, आज ऐलान किया है कि आमरण अनशन तक जो है अब ये आंदोलन जाएगा। ये देखिए बैनर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं और नाराजगी जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन अभ्यर्थियों में, क्योंकि कई वर्षों के इंतजार कर रहे हैं लेकिन इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई हैं। और यही वजह है कि आज अभिभावक जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बुजुर्ग महिला आप देख सकते हैं ये भी पहुंची हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ी मेहनत से जो है बच्चे ने एग्जाम पास किया लेकिन अब रिजल्ट के लिए जो है वो दर दर भटकना पड़ रहा है। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आज सुबह से लेकर डटे हुए हैं, कैबिनेट में आज थी कि आज कुछ होगा लेकिन आज भी केवल कमेटी बनाने की उसमें जो है वो बात कही गई है, इससे ये खुश नहीं है। क्या कमा के जाते हैं अपना अच्छे संस्कार, अच्छा झूठ नहीं बोला, हर एक जीव पे दया करना, यही हमारी कमाई होती है जी। आज पाप की गठरी लेके कैबिनेट सब कमेटी बनाने की बात हुई है, जल्द लेकर अपने क्या करेंगे, डटे रहेंगे, दबना नहीं है, है ना। ये सोचना चाहिए इनको, डेढ़ साल हो गए हम इनके पीछे पड़े हुए हैं और स्टार्ट किया था मैंने, चार साल हो गए, 10-11 चक्कर में शिमला लगा चुका हूँ, अभी पैसों का अरेंजमेंट मैं कैसे करता हूँ मुझे पता है। तो सरकार को बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, शर्म करो कांग्रेस सरकार, हाथ भी जोड़ लिया आपके आगे, पैर पड़ गए आपके, कोई शर्माती है आपको, अपने रोजगार की पड़ी है, हमारा रोजगार कहाँ है, ये हाथ डालो रोजगार हमारा, इधर हम भीख मांग रहे हैं आपसे। क्या आप आपका रिजल्ट है या किसी के साथ आपने खुद का है? अब तो आपको लग रहा है कि उम्र भी निकलती जा रही है, उम्र अगला टेस्ट निकलेगा तब तक तो ओवरेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं बनेगी बात, रिजल्ट उनको निकालना पड़ेगा, जैसे मर्जी निकालो रिजल्ट, उनको सिर्फ अपने रोजगार की चिंता है। उन बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचो जो शाम को रोज 6 बजे न्यूज देखते हैं कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, डेढ़ साल से कुछ हुआ, ये सरकार को रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए। कमेटी क्या लग रहा है, लटका देंगे, काम कर रही है कमेटी, काम करेगी, डेढ़ साल और लगेगा। राजीव गांधी ने हमारे को क्यों लोग आए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, समझो भी बात को, बात हाथ से अब निकल चुकी है, रिजल्ट और रिजल्ट कमेटी भी चाहिए। तो देखिए परेशानी है इनकी और ये देखिए ये सुबह से लेकर डटे हुए हैं और कोशिश करेंगे, अंधकार में हो गया, आपके चेहरे से ही लग रहा है काफी दुखी हैं, सुबह से लेकर डटे हैं, हर बार आते हैं लेकिन अब कमेटी की बात हुई आज भी, क्या लग रहा है कि टालने का ही काम हो रहा है या टालने का ही काम है सर? ये तो टालने का ही काम है सर, ये करना चाहते हो आज, वैसे तो इस मैटर को कैबिनेट ले जाने की जरूरत भी नहीं थी, सीएम सर चाहते तो बिना कैबिनेट के भी हो जाता सर, ये पर ये ऐसे बात का इशू बना रहे सर, पता नहीं क्यों बता रहे सर, मैं थक गया हूं सर बोल बोल के आके, 13 बार आए, कुछ 14 बार, मैं तो 15 से ज्यादा बार आ चुका हूं सर, अब हम डिप्रेशन में चले गए सर। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ सर, भगवान से तो डरो, भगवान से तो डरो, हमने कोई गलत चीज नहीं मांग रहे, अपना रिजल्ट मांग रहे, भगवान से तो डरो, भगवान इंसाफ करेगा नहीं तो इनके साथ, अब यही रह गया बोलने के लिए, भगवान से डरो प्लीज। तो आज के अभी डटे रहेंगे आप लोग, यही बैठे रहेंगे सर, हम नहीं जाएंगे, अब बार बार आके थक गए हुए, हम तो डटे रहेंगे, कोई जा रहा है घर? देखिए हम नहीं जा रहे सर, कुछ भी होता है किसी को सरकार जिम्मेवार है और हम यही है, हम ठंड में यही रहेंगे, बर्फ पड़े बारिश पड़े हम यही है, हम यही है। तो देखिए अमरण अनशन तक जो है यहाँ पर ये डटे रहेंगे शिमला में, क्योंकि पेरेंट्स भी आए हैं, गुस्सा इनका लाजमी है, 5 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 सालों से जो भर्ती प्रक्रिया जो है वो लटकी हुई है और ये देखिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, 1867 ये पोस्टें हैं जिन पर भर्ती होनी है और एक पोस्ट के अगेंस्ट अगर 3 लोग भी क्वालिफाई हुए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5,000 से ऊपर का ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बनता है। तो सीधे तौर पर जो है वो 5,000 के आसपास लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, परिवार प्रभावित हो रहे हैं और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर शिमला में ये लोग सुबह से लेकर डटे हुए हैं। आज उम्मीद थी कि भी कैबिनेट में मसला जाएगा लेकिन कैबिनेट में भी जो है आज रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है कमेटी की। हालांकि जरूर सरकार ने बात कही है कि कमेटी का गठन करेगी जो इन
लटकी अभ्यर्थियों को देखेगी, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार लटकाने का काम कर रही है और अब जो है ये मानसिक रूप से भी प्रताड़ित खुद को महसूस कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं और इनके चेहरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी में ये लोग हैं और कितना मानसिक रूप से जो है ये हरास हो रहे हैं। ये देखिए और गलती पूछ रहे हैं आपको हम सबकी कसम है अगर आज आप देश सामने जाओ हम सब के सामने हम बैठे थे तो आपको कसम है कि आप यहाँ से उठे और घर जाके अगर आपने घर जाना ही है तो भाई विनती है हमें भी साथ में बोल दो ताकि हम भी अपने घर में जाएं अपने परिवार के साथ रहें और वहाँ से आराम से अपना कामकाज करते रहें। बस एक ही विनती है अगर लड़ाई लड़नी है तो सच्चाई के साथ लड़ो, आपने अन्याय और गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका देश और प्रदेश के समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करो, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की नॉनसेंस बात जो समाज के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं है उस तरह की बात कोई नहीं करे। और सरकार के खिलाफ आप जिस तरह की आपका मन कर रहा है, जिस तरह की आप बातें करें उसके खिलाफ बोलो या सरकार से आप विनती करो, वो आप बात कर सकते हैं क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक कर्तव्य है कहीं भी अपनी बात रखने का, कहीं भी आप बात करने का। मैं आपसे विनती बार बार यही कह रहा हूँ, मुझे पता क्या है आज मैं अगर उठा हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ विनती यही कर रहा हूँ कि अगर आप बोलोगे सभी लोग तो हम बैठेंगे, अगर आप बोलोगे कि हमें नहीं लड़ना है तो आप ही घर जाओ हम भी घर चले जाएंगे। पता क्या होगा अगर आज आप सभी लोग चले जाएंगे 50 लोग रह जाएंगे ना, उन 50 लोगों को ये लड़ाई अगले एक महीने तक लड़नी पड़ेगी 50 लोगों को। लेकिन अगर आप ये 500 लोग अगर आज आप यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये लड़ाई 5 दिन में खत्म हो सकती है। अब आप बता दो आपको उन 50 लोगों के साथ अत्याचार करना है जैसा सरकार हम सभी लोगों के साथ कर रही है, या 500 लोग मिलकर एक अत्याचार झेलकर 5 दिन में अपनी हमारी लड़ाई जीत कर जाएंगे। बार 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 मैं सभी लोगों से एक ही नंबर विनती करता हूँ अगर लड़ाई लड़नी है तो मैं बोल रहा हूँ इस अन्याय के खिलाफ एक विरोध कर लीजिए, अदरवाइज अपने अपने घर में चले जाइए। नहीं जाएंगे विरोध में, रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। कोई नहीं जाएगा, बस यही रहेंगे सभी, कोई नहीं जाएगा यहाँ, बस एक बार चल गए तो फिर घर ही रह जाएगा, ये लास्ट ही है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, बस बात ही खत्म है। पाँच दिन यहाँ रुको या 5 साल और इंतजार करो, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ना कोई रोजगार देने वाली है। मैं सभी लोगों को मोटिवेशन कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए सभी लोगों से विनती करता हूँ कि अपने हाथ खड़े होकर बता दीजिए जो लोग यहाँ पे रहना चाहता है। सारे कैमरा वाले इनकी तरफ फोकस करें और इन लोगों का चेहरा भी याद करें कि जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ये सभी लोग यही रहना चाहते हैं। मैं कैमरा मैन जो मीडिया वाले बंदी हैं उनको तो विनती करता हूँ अपने हाथ डाउन मत करें, सर डाउन मत करें, आपको कवर किया जा रहा है। तो देखिए ये सहमति बन रही है कि यहाँ पे आंदोलन को आगे जारी रखना है या नहीं रखना है। हाथ आप देख सकते हैं, सबके हाथ उठे हैं, सभी चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई जो है वो अब इस पूरे मसले को लेकर लड़े। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है उन्होंने इरादा कर लिया है कि अब जो है वो लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ी जाएगी, यहीं पर जो है वो बैठने का निर्णय जो है वो अभ्यर्थी की तरफ से जो है वो लिया जा रहा है। जो अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि है वो अपनी अपनी बात जो है वो तमाम अभ्यर्थियों के सामने रख रहे हैं कि अब जो है वो कुछ ऐसे बच्चे भी है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से सच में जनरली नहीं आ पाए। मैं वादा करता हूँ बंदे वादा जुड़ेंगे, एक बार बैठ के देखो बहुत बंदे जुड़ेंगे, जिनकी भर्तियाँ भी नहीं आ रही वो भी जुड़ेंगे। क्या कर रहे हो घर में, पढ़ाई की तैयारी कर रहे, कौन सी भर्ती में,
की 10,000 रुपए सैलरी, 10,000 रुपए सैलरी, पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाले को 10,000 मिल जाता चंडीगढ़ में यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, की तैयारी नहीं करनी हमने, हम बड़े लिखे हैं भाई, हमारे को हमारे हक की नौकरी चाहिए। और जो बंदे घर बैठे हो किस चीज की तैयारी कर रहे हो वो भी जुड़ेंगे, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, सब जुड़ेंगे, सारे अदर कोर्ट भी जुड़ेंगे, इसलिए बैठो, बाकी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी कंपनियों की और बढ़ेगी। तो देखिए साफ तौर पर जो है यहाँ पर ठीक बोल रहे हैं, लड़ाई लड़ने की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कमेटी बनाई है उससे खुश नहीं है, और हर बार की लड़ाई पर जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है अब मन बना चुके हैं। और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में 200 से 300 लोग जो है यहाँ पर आए हैं, जिनके रिजल्ट लटके हुए हैं पोस्ट कोड 817 के। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। और जो उसका जो रिजल्ट है अब तक निकालने की